नमस्कार दोस्तों, प्रभु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है, हमें अपने अस्तित्व के सबूत देते रहते हैं। जिस तरह भारत में शिवजी के अनेक मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है, उसी तरह दक्षिण एशिया के देश वियतनाम में हिंदू धर्म के कई मंदिर हैं, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना किए जाने की परंपरा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको वियतनाम के मंदिर से जुड़े एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस चमत्कार को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वियतनाम देश एक ऐसा देश है जिसका टूरिज्म रेवेन्यू हिंदू मंदिरों की वजह से कई गुना बड़ा है, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक स्थलों का बहुत अधिक महत्व है, जिनमें हिंदू मंदिर शामिल हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है माई सोन मंदिर, जहाँ शिव जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले वियतनाम के माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये शिवलिंग लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि खुदाई करते समय इस शिवलिंग को एक खरोंच तक नहीं आई है। लाल रंग का ये चमत्कारी शिवलिंग भगवान शिव के चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ खुद अपने अस्तित्व के होने के सबूत हमें दिए हैं। हम आपको बता दें कि वियतनाम स्थित माई सोन मंदिर में श्री कृष्ण, विष्णु तथा शिव की मूर्तियां हैं। देखा जाए तो ये एक ध्वस्त हिंदू मंदिर है, और पहले भी इस मंदिर परिसर से कई मूर्तियां और कलाकृतियां मिली थी, जिनमें भगवान राम और सीता की शादी की कलाकृति और नक्काशीदार शिवलिंग प्रमुख हैं, जिससे पता चलता है कि वियतनाम में हिंदू धर्म के भगवानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये मंदिर चंपा के राजाओं ने 4वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कराया था। मंदिर परिसर मध्य वियतनाम के क्वांगनाम प्रांत के दुईफू गांव के पास स्थित है। मंदिर परिसर करीब 2 किलोमीटर लंबी चौड़ी घाटी में स्थित है, जो 2 पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम आपको ये भी बताते चलें कि वियतनाम का चंपा क्षेत्र प्राचीन काल में हिंदू राज्य और हिंदू धर्म का गढ़ था। यहाँ स्थानीय समुदाय चम का शासन 2री शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा था। चम समुदाय में ज्यादातर लोग हिंदू थे, लेकिन आगे चलकर इस समुदाय के कई लोगों ने बौद्ध और इस्लाम धर्म को अपना लिया। वियतनाम लड़ाई के दौरान एक सप्ताह में ही अमेरिका की बमबारी ने इस परिसर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था, और इस दौरान ये मंदिर परिसर लगभग तबाह हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।